बाद में बोल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में प्रशांत। बड़ी खबर आई है, टी नटराजन जो है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी, वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जी हां, यूएई के बायो बबल में एक बार फिर से कोरोना की एंट्री हो चुकी है और सनराइजर्स हैदराबाद के जो तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने पिछले साल काफ़ी ज़्यादा कमाल किया था, वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया है। वहीं तेज़ गेंदबाज विजय शंकर जो ऑलराउंडर हैं, उनके साथ एक और नेट बॉलर और चार जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, उन लोगों को भी आइसोलेशन में भेजा गया है। आईपीएल ने पुष्टि कर दी है, आईपीएल की साइट में पुष्टि कर दी गई है। ये भी बताया गया है कि किसी भी तरह के मैच में कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अब इस खबर ने बीसीसीआई के बायो बबल पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। बीसीसीआई ने 14 बायो बबल बनाए थे, 8 टीमों के लिए, 4 एम्पायर्स और अधिकारियों के लिए, 4 ब्रॉडकास्टर्स और कॉमेंटेटर्स के लिए। लेकिन ये बायो बबल टूटा तो कैसे टूटा? आईपीएल फेज़ वन आपका कोरोना के कारण रद्द हुआ, आईपीएल फेज़ टू में कोरोना कहाँ से आया? आप यूएई में कड़ा बायो बबल का दावा कर रहे थे, खिलाड़ी एक रूम से दूसरे रूम नहीं जा सकते थे, लेकिन ये बायो बबल कैसे आया? कैसे टी नटराजन पॉजिटिव पाए गए? अब क्या आगे वापस टेस्ट होगा? तमाम सवाल है बीसीसीआई पर इस वक्त खड़े हो रहे हैं और बीसीसीआई को उसके बारे में सोचना होगा, वरना हम आईपीएल फेज़ थ्री कहीं ना देखने को मजबूर हो जाएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, नमस्कार।